वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमालयाज के एक नए एपिसोड में। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जन्नत कही जाने वाली खूबसूरत घाटी पांगी घाटी के सफर पर। पांगी घाटी सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे रिमोटेस्ट जगहों में से एक है, लेकिन इस दूरदराज के क्षेत्र पर कुदरत की एक अनोखी मेहरबानी है और ये जगह पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। तो चलिए वॉकिंग वॉन्डरर के साथ पांगी वैली के इस खूबसूरत वर्चुअल टूर पर आपको लेकर चलते हैं। वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको पांगी वैली विजिट करने से रिलेटेड हर टाइप की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, जैसे कि आप पांगी वैली कैसे पहुंच सकते हैं और पांगी वैली विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, यहां पर कहां आप ठहर सकते हैं और किन किन लोकेशंस को आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम आपको एक हिडन लोकेशन पर भी लेकर चलेंगे। तो चलिए इस वर्चुअल टूर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें। पांगी वैली आज के दौर में भी मेनस्ट्रीम टूरिज्म से अनछुई एक जगह है और वो ट्रेवलर्स जिन्हें हिडन और ऑफबीट लोकेशंस को घूमने का शौक है उन्हें पांगी वैली का रुख जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये खूबसूरत वैली यहाँ पर बहुत सी हिडन और ऑफबीट लोकेशंस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। लगभग 11,000 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड पांगी वैली, यहाँ पहुंचने के लिए आप चाहे जिस भी रोड का इस्तेमाल करें आपको ट्रू सेंस ऑफ एडवेंचर और थ्रिल जरूर फील होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पांगी वैली और पांगी वैली पहुंचने के लिए सबसे इजी रोड ऑप्शन है लाहौल और उदयपुर को क्रॉस करते हुए पांगी वैली पहुंचना। आज इस वीडियो में हम आपको इसी रोड ऑप्शन के थ्रू पांगी वैली एक्सप्लोर करवाएंगे। बाकी दो जो रोड ऑप्शंस हैं उनमें पहला है चंबा से साच पास को क्रॉस करते हुए पांगी वैली पहुंचना और दूसरा ऑप्शन है किश्तवाड़ किलाड़ रोड पर ड्राइव करना। ये दोनों रोड्स वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड्स में आते हैं। मनाली से अपना सफर शुरू करने के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटा ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे उदयपुर। उदयपुर तक आपको रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी शेप में देखने को मिलेगी। पांगी वैली की जर्नी के दौरान आपको उदयपुर लास्ट मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा, तो अपने एसेंशियल्स की शॉपिंग आप यहीं से कर सकते हैं। उदयपुर को क्रॉस करने के बाद सही सेंस में आपका एडवेंचर ट्रिप शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए इस जर्नी को पूरा करने के बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो आप कोई लोकल टैक्सी या फिर बाइक रेंट पर लेकर इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव करने का चूज करते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि आपको पहाड़ों पर और ऐसे डेंजरस रोड्स पर ड्राइविंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। इस जर्नी को आप हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस में भी पूरा कर सकते हैं। आपको सिलेक्टेड बसेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुल्लू किलाड़, शिमला सुराल और केलोंग किलाड़। उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे तिंदी। तिंदी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गाँव है और इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। उदयपुर से पांगी वैली की जर्नी के दौरान आप कंटिन्यूअसली चेनाब नदी के किनारे पर ही ड्राइव करेंगे और चेनाब नदी के बहुत खूबसूरत नजारे आपको इस जर्नी के दौरान दिखते रहेंगे। पांगी वैली की जर्नी के दौरान आपको बहुत बार कुछ इस तरीके के क्लिफ हैंगर रोड्स देखने को मिलेंगे और ये आप में एक एड्रेनलिन रश जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि ये रोड्स हैं ही इतने एडवेंचरस और थ्रिलिंग। ये रोड्स बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और इन्हें मेंटेन करता है हमारा बहुत ही ब्रेव बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें अपने BRO को थैंक करना चाहिए कि हम पांगी वैली जैसी खूबसूरत लोकेशंस तक पहुंच सकते हैं। अभी ईयर 2022 में आपको पांगी वैली के रोड्स की कंडीशन मोस्टली ऑफ रोड ही देखने को मिलेगी। कुछ एक पोर्शंस पर ही आपको मेटल रोड्स देखने को मिलेंगे। आने वाले सालों में यहां पर एक प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और आप जब भी इस जर्नी को पूरा करें तो आप लाहौल एंड स्पीति पुलिस के फेसबुक पेज से अपडेट ले लें। वहां पर अपडेटेड रहता है कि इस रोड की सिचुएशन कैसी है और ये किसी पॉइंट पर बंद तो नहीं है।
1600 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया में फैली हुई है पांगी वैली, और पूरी पांगी वैली की आबादी 20,000 लोगों से भी कम है। पांगी वैली के रास्ते के दौरान आपको बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिंधल, पुर्थी, श्योर और फिंडरू। भेड़पालकों की एक ट्राइब जिन्हें गद्दी कहा जाता है, ये भी चंबा जिला से ही ताल्लुक रखते हैं, और आपको बहुत सारे गद्दी लोग इस रास्ते पर देखने को मिलेंगे जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते हैं। पांगी वैली के कुछ एक रीजन्स में आपको एप्पल की बहुत सुप्रीम वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि काफी क्रंची और टेस्टी भी होते हैं। इस रोड से हमें चेनाब नदी की कंटिन्यूअसली बहुत खूबसूरत साइट दिखती रहती है, और ये हमारी जर्नी को और भी खूबसूरत बना देती है। आप अपने सामने अभी किलार टाउन देख रहे हैं। किलार टाउन पूरी पांगी वैली का हेडक्वार्टर है, और सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यहीं पर लोकेटेड हैं। तो उदयपुर से लगभग 4.5 से 5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाएंगे किलाड़। किलाड़ में हमें इस रीजन का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस भी देखने को मिलेगा। किलाड़ और पांगी रीजन दो ओर से बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस से ढका रहता है। एक ओर है पीर पंजाल माउंटेन रेंज और दूसरी ओर है जांस्कर माउंटेन रेंज। आप जब भी पांगी वैली के ट्रिप पर आएं, तो आप किलाड़ में एक दिन जरूर स्टे करें। किलाड़ में आपको सभी फैसिलिटीज की अबंडेंस तो देखने को मिलेगी ही, और साथ ही इन स्मॉल टाउन्स के लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं किलाड़ से पांगी वैली की सबसे खूबसूरत लोकेशन सुराल भटूरी की ओर। सुराल भटूरी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले किलाड़ किश्तवाड़ रोड पर ड्राइव करना होगा। ये रोड वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड भी माना जाता है, और रास्ते से ही अगर आप चंबा जाना चाहते हैं तो आपको साच पास वाला रोड भी देखने को मिलेगा। किलाड़ से सुराल भटूरी पहुंचने का डिस्टेंस लगभग 29 किलोमीटर है, और इस जर्नी के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर बात की जाए पांगी वैली को विजिट करने के बेस्ट टाइम के बारे में, तो बर्फ की वजह से साल के 6-7 महीने पांगी जाने वाले सभी रोड्स बंद रहते हैं। पांगी विजिट करने का बेस्ट टाइम है जून मंथ से अक्टूबर मंथ तक, लेकिन मॉनसून रेन्स के दौरान आप इस रोड पर ट्रेवलिंग करना अवॉइड करें, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। पूरी पांगी वैली का सबसे बड़ा गाँव है धरवास। पांगी वैली में आपको ज्यादातर पांगवाला और भोटी ट्राइब के लोग देखने को मिलेंगे, साथ ही कुछ एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सुराल भटूरी वाले रोड पर भटूरी विलेज इस रोड का लास्ट विलेज है, और उससे पहले आपको ताई नाम का एक विलेज देखने को मिलेगा। इन विलेजेस के आसपास आपको लोगों के मटर के बहुत बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे, और पूरे परिवार के लोग मिलकर अपने खेतों पर काम करते हैं, और यही इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। आप जब इस रोड के एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप सही मायने में किसी वंडरलैंड में आ गए हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहुत बड़े बड़े लश ग्रीन लॉन्स, और साथ ही यहाँ पर फ्लावर्स की बहुत खूबसूरत वैरायटीज आपको देखने को मिलती है। आपको लगेगा कि मानो आप किसी मिनी वैली ऑफ फ्लावर्स में घूम रहे हैं। आप जब सुराल भटूरी के इस रीजन में आएंगे तो आपका मन करेगा कि आप इस रीजन में और टाइम स्पेंड करें। तो अगर आप यहां पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कैंपिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक ट्रू सेंस में नेचर लवर हैं और कुदरत की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं बिना किसी कमर्शियल एक्टिविटी के, तो यह हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सुराल भटूरी से ज्यादा खूबसूरत जगह आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सुराल भटूरी की एक बहुत खूबसूरत लोकेशन सुराल भटूरी वाटरफॉल की ओर। सुराल भटूरी वाटरफॉल आपको बाय वॉकिंग डिस्टेंस 15 से 20 मिनट की दूरी पर मिल जाएगा। आप अपने सामने वाली माउंटेन पर जो भी सारे ट्रीज देख रहे हैं, ये सारे भोजपत्र के ट्रीज हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सुराल भटूरी को बायो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर भोजपत्र की अबंडेंस पाई जाती है। तो आप अपने सामने अभी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सुराल भटूरी वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को लोकली खंतरचो नाम से भी जाना जाता है।
सुराल भटूरी वाटरफॉल का क्रिस्टल क्लियर और स्पार्कलिंग पानी ग्लेशियर्स से मेल्ट होकर आता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो पांगी द पैराडाइज भी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपके मन में पांगी वैली से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करें। थैंक यू।